हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कैंची से गोद कर व पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर उसकी हत्या करने वाले दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि दोषी पति ने पत्नी की गर्दन पर तब तक वार किए थे जब तक कि उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हो गई। अदालत ने माना कि हत्या का तरीका बेहद विभत्स है, ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना समाज के हित में नहीं। ये मुकदमा 17 मार्च 2018 को सेक्टर 23 से गुरुग्राम निवासी ब्रिज शर्मा की शिकायत पर सूरजकुंड थाने में दर्ज हुआ था। दर्ज मुकदमे के अनुसार ब्रिज शर्मा की बहन अंजू की शादी करीब 17 साल पहले हरिनगर आश्रम नई दिल्ली निवासी संजीव कौशिक के साथ हुई थी। संजीव कौशिक दिल्ली नगर निगम में नौकरी करता था। वारदात से कुछ समय पहले ही वह ग्रीन फील्ड कॉलोनी में आकर रहने लगा था। दंपति का एक बेटा भी है, तब उसकी उम्र 15 साल थी। संजीव कौशिक पत्नी अंजू के चरित्र पर संदेह करता था, इसको लेकर वह उसके साथ मारपीट भी करता था। 17 मार्च 2018 को भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। उस वक्त उनका बेटा ग्रीन फील्ड कॉलोनी में ही अपने ताऊ के घर पर था। गुस्से में संजीव ने कैंची से वार कर अंजू की गर्दन धड़ से अलग कर दी। कैंची से उसके सिर के भी टुकड़े कर दिए थे। दोषी पति टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर लाजपत नगर फ्लाईओवर पर फेंक आया था। थोड़ी देर बाद जब बेटा घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा मिला। उसने ताऊ को सूचित किया। ताऊ ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर अंजू की सिर कटी लाश पड़ी थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा